ji. मैं समझता हूँ विश्व पिता पता नहीं एक ही व्यक्ति है। हाँ जी, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। ये चारों ही बातें बोली हुई हैं। तो चार चार तो नेक्स्ट टू गॉड नहीं हो सकते, नेक्स्ट टू गॉड तो एक ही होगा। तो जो संगम युगी कृष्ण है वो ही लक्ष्मी नारायण, वो ही पहले प्रजापिता, और उसी में अर्धचंद्रकार ब्रह्मा की सोल जब तक प्रवेश है बुद्धि में तो शंकर कहा जाता है। पर्सनालिटी एक ही है। ये तो अब पूछने की बात है। दूसरी बात ये है, तो अभी का जो प्रजापिता ब्रह्मा है, हम जानते हैं वो राम की आत्मा है। राम ही बाप को कहा जाता है, लेकिन इसके जो इसके नीचे एक मुरली है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको राम कहा जाता है, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ जी, लेकिन ये मुरली किसने कहा है इसमें प्रजापिता विश्व राम कहा जाता है, राम से भगवान एडम लिख दिया। जो राम है वो ही एडम है, एडम को ही प्रजापिता कहा जाता है, वो ही आदम है, वो ही आदिनाथ है, वो ही आदिदेव है। क्योंकि मुरली में सदैव कृष्ण को बच्चा कहा है और राम को बाप कहा है। बहुत से ढेर सारे मुरली पॉइंट हैं जिनमें राम को बाप कहा है, कहीं भी कृष्ण को बाप नहीं कहा है और कृष्ण को बच्चा कहा है। और बाप दादा तरीके से बाप दादा एक तरीके से राम और कृष्ण, तरीके से सुना सुप्रीम कोर्ट जहाँ बाप कहा जाता है वहाँ दोनों ही बेहद के बाप कंबाइंड हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। इस सृष्टि पर राम बाप बाप बन करके जब प्रत्यक्ष होता है या जिनकी बुद्धि में भी ये प्रत्यक्ष होता है वो तब ही प्रत्यक्ष होता है जब निराकार बाप उस साकार में प्रवेश करे। और चंद्रमा वो तो बाबा हो गए और सोमनाथी वैष्णवी देवी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ के अनुसार आता है कि सोम मतलब चंद्रमा, नाथ मतलब नाचने वाले, और ब्रह्मा की सोच ही जगदम्मा में जाकर के अंत में किस हो जाती है, सोमनाथी जगदम्बा भूना या वैष्णवी जो प्रवेश करने वाली आत्मा होती है वो पावरफुल होती है, या जिसमें प्रवेश होता है वो पावरफुल होता है। प्रवेश करने वाली आत्मा
सोम जिसे कहा जाता है वो इसलिए पावरफुल है कि संगम युग में उसने पुरुष चोले का पार्ट बजाया है। और माँ का पात्रधारी बनने से पहले बाप में प्रवेश किया है तो डबल इंजन मिल जाता है। बेहद के दो बाप उनको मिल जाते हैं। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है। इसलिए माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। इसलिए सरस्वती जगदम्बा निमित्त बनी हुई है टाइटलधारी। परंतु यही आत्मा अपना चोला छोड़कर पुरुष चोला छोड़कर जब स्त्री चोले में प्रवेश करके पाठ बजाती है तो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। तो छोटा बाबा और बड़ा बाबा जैसे नाटकबाजी करते हैं तो कोई स्त्री का पार्ट बजाते हैं कोई पुरुष का पार्ट बजाते हैं। ऐसे ही ये छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा और बड़ा बाबा शिव बाबा इनको मात पिता का पार्ट बजाना होता है। हाँ मुरली बाबा आपने बताया कि कलर पहले जो जो मुरली हम कलर पहले जैसे जैसे हम लोग अपना ज्ञान सुन रहे वैसे ही सुन रहे आने वाले कलर तो भी वैसे ही सुनेंगे हम लोग चेंज किया जा सकते हैं। हाँ जी वैसे ही सुनेंगे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे बनी बनाई करते हैं और बंदी में ही बड़ा बोलते रहते हैं तो आने वाले कलर में भी क्या ऐसे ऐसे ही होगा। यहाँ तक बता दिया ये मक्खी उड़ रही है इसी टाइम पर इसी सन में ऐसे ही उड़ेगी इसी डायरेक्शन में उड़ेगी। दुनिया की हर चीज हर एक अणु चाहे चैतन्य हो आत्मा रूप में और चाहे जड़ हो अणु रूप में सबका साइकिल नुदा हुआ है। साइकिल माना चक्र जहां से आई है घूम घाम करके फिर वहीं पहुंचेगी। कुछ परिवर्तन नहीं जड़ और चेतन सब का पार्ट नुदा हुआ है। अभी तो ज्ञान सुन रहे चेंज करने के लिए सुन रहे हैं। और बाबा आज के मूल्य सुना है जो का टाइम में प्रगत टाइम है प्रगत पत्र है। हाँ जी तो उसका सेकंड जन्म में राजा पत्नी हाँ वो सात्विक स्टेज में शरीर छोड़ता है या दुख की स्टेज में शरीर छोड़ता है क्योंकि वो आत्मा तो पावरफुल है जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे निकल जाए। तो जब सूली लगती है तो सूली का दुख वो आत्मा भोगती नहीं। जो शरीरधारी है उसको सूली का दुख भोगना पड़ता है तो अवस्था कैसी बन जाएगी। जिसको सूली का दुख भोगना पड़ेगा उसकी अवस्था दुखमय बनेगी या सुखमय बनेगी अंत मते सो गति हो जाती है। बोला तो के एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति मिलता है। बोला कौन बोले एक जन्म के लिए हम जीवन मुक्ति देते हैं तो ये भगवान की तो आदि है तो कैसे जीवन मुक्ति मिलता है उसको जब राजा ही मिलता है ना जब प्रवेश करते राजा दुख भी भोगता है इस दुनिया में
और राजा ऐसे दुनिया में सुख भी भोगता है, लेकिन जो आत्मा प्रवेश करती है ताजी ताजी, वो सुख ही भोगेगी, दुख नहीं भोग सकती पहले जन्म में। पहले जन्म में उसे सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको अपना चोला नहीं है। और महारथि और महावीरनी में क्या अंतर होगा? महारथी जो होता है, महावीर किसको बोलते हैं? हाथी रूपी महारथी, उनका जो रथ है हाथी की तरह पावरफुल है, महारथी। दिलवाड़ा मंदिर में गेट के सामने ही हाथी दिखाए गए हैं, हाथियों पर सवार दिखाए गए हैं, लेकिन महावीर वो हैं जिनके रथ में कई कई घोड़े जुटे हुए होते हैं। घोड़े में ये पावर होती है कि अभी अभी आगे और अभी अभी जरूरत पड़े तो पीछे। महावीर वो घोड़े जुटे हुए हैं ना, हाथी जुटे हुए थोड़े ही हैं। और हरिओम सत्सत हरि उन्होंने मान लिया है भगवान को, कृष्ण को समझ लिया है भगवान, इसलिए तप्त माने वो है, उसको समझ लिया है सत्य। जैसे बीके वालों ने साकार में कौन भगवान है जिसको वो समझते हैं सत्य, कृष्ण को समझ लिया है, लेकिन वास्तव में कृष्ण सत्य है, अविनाशी है, या कोई दूसरा पार्टधारी है जो अविनाशी है? गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, गॉड के मुकाबले और सब झूठे हैं। नंबर वार, कोई 1% को 99.9% एक गॉड फादर है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है, कल्याण की दुनिया बनाने वाला है, और वो ही सुंदर है। और ऋषि और मुनि दो, क्या दो शब्द एक शब्द होगा? ऋषि मतलब पवित्र, मुनि मतलब अपना करने वाले। हाँ जी, हाँ जी। अपने जो ब्राह्मण परिवार है वो, ये क्या ऋषि मुनि का परिवार है क्या भाई? पवित्र जो पवित्र बन जाता है, उस पवित्र को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है? वो तो ऊर्ध्व गति में ही जाता रहेगा, उसकी नीचे की गति नहीं हो सकती। मनन चिंतन करना ऊंची स्टेज है, या निराकारी स्टेज में रहना ऊंची स्टेज है? निराकारी माना निर्विकारी, निर्विकारी माना निरहंकारी, और जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है वो ही पवित्र है। और तो ये बातें तो कृष्ण के लिए लागू होगी। हैं बाबा जो भी बातें बोलते हैं तो बेहद नहीं बोलते हैं। हाँ, तो बाबा बोलते हैं
तुम बच्चों को ये साबित करना है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं हाँ? बोले ना हाँ? तो गीता हमारी हो गई गीता माता हाँ? तो गीता भगवान कृष्ण गीता माता साकार में है चैतन्य में है जो कंट्रोलर के रूप में है वो चैतन्य है या जड़ है चैतन्य है और उसको कंट्रोल करने वाला गीता पति भगवान भी चैतन्य में है दोनों ही चैतन्य है तो कृष्ण बच्चे को कहा जाता है और राम बाप को कहा जाता है तो माता कौन होगी और पिता कौन होगा जो बाप है वो बेहद के दो बाप हैं और एक ही पर्सनालिटी में है इसलिए वो ही गीता का भगवान है शिव बाबा का सबसे बड़ा बच्चा है राम शिव बाबा का बड़ा बच्चा है शंकर सबसे पहले वो हुआ ना शिव बाबा और मम्मा उसका बड़ा बच्चा राम वाली आत्मा जिसको कृष्ण कहते हैं संगम युगी कृष्ण संगम युगी कृष्ण तो बाबा मम्मा है कि यह छोटी चली गई यज्ञ छोड़ के यज्ञ साकार में होता है या निराकार में बाबा है तो निराकार में सारी बातें निराकार में है सारी बातें सारी तो जैसे किया जा रहा है यहाँ जो ज्ञान यज्ञ है वो साकार सृष्टि पर होता है या निराकारी दुनिया आकारी दुनिया में होता है साकार सृष्टि पर होता है साकार सृष्टि में होता है कौन सी मम्मा ने बोला मैं यज्ञ में सबा सदा शिव बाबा के साथ हूँ दोनों मम्मा को मिक्स न करो एक है एक है जिसका नाम दिया गया है मम्मा टाइटल दिया गया है वो तो सन 65-66 तक थी और दूसरी मम्मा है एडवांस पार्टी में तो जो एडवांस पार्टी में है वो तो खेल खेलने वाली है जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है तुम बच्चों को माने कर्नाटक वालों से बात हो रही है बेहद के कर्नाटक वालों से बेहद के नाटकबाज टीचर्स मिले हुए हैं तुम पहचान नहीं सकेंगे रचयिता को पहचानना मुश्किल नहीं होता है लेकिन रचना को पहचानना बहुत मुश्किल है शास्त्रों में भी लिखा हुआ है विधिउ न नारि हृदय गति जानी विधिउ माने ब्रह्मा ने भी नारी के हृदय की गति को नहीं जान पाया तो मम्मा जो जगदम्बा का पार्ट बजाती है और अंत में महाकाली का पार्ट बजाती है उसके मन के अंदर क्या है और बाहर से क्या पार्ट बजाती है ये साधारण बुद्धि समझ नहीं पाती है अच्छा बाबा बोलते हैं साकार निराकार से मेल को तो शिव बाबा कहा जाता है शिव माना बिंदु निराकार और बाबा कहा जाता है साकार को ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है एक मुस्लिम बाबा बोले साकार निराकार के मेरे को बाबा कहा जाता है अरे वही एक ही बात हो गई ना तो निराकार मतलब जिंदगी के लिए तो एडवांस ज्ञान में बोला नहीं गया है जिंदगी कहने का मतलब जिंदगी तो जब तक था गया अरे आत्मा को निकाल देंगे तो सब रह जाएगा राम और कृष्ण की आत्मा कुछ भी नहीं है तो वही तो साकार है तो कहने का मतलब बिंदी की भी यहाँ एडवांस ज्ञान में बात नहीं जिसके लिए आज लड़ाई हमेशा चलता है काई की लड़ाई चलती है लड़ाई उनकी बुद्धि में चलती है
जिन्होंने साकार और निराकार के मेल का तादात्म्य स्थापन नहीं कर पाया अपनी बुद्धि। नहीं समझ मार बुद्धि को, तो बाबा कहने का मतलब है निराकार मतलब यहाँ निराकार ये स्टेज वालों को कहा जाता है मतलब। स्टेज तो साकार शरीरधारी की बनती है। हाँ बाबा, तो बिंदी की स्टेज नहीं कही जाती। हाँ बाबा, आज दिखाते भक्ति मार्ग में शिव पार्वती बोला जाता है, तो शिव पार्वती के साथ शंकर दिखा देते हैं, बिंदी तो दिखाते नहीं है, तो मतलब वो जो व्यक्तित्व है प्रश्न वही क्यों हमारे लिए हो गया? क्योंकि बाबा मुझे बोले कि आगे के लिए ज्ञान बहुत सूक्ष्म जाएगा, जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होंगे वही इस ज्ञान को पकड़ पाएंगे, बाकी वो बाबा बोलते नहीं तेज आए बहुत तेज हो जाएगा, तो जो जीव है वो तो हमारे लिए निराकारी तेज वाले जो बाबा वही हमारे लिए क्यों हो गया, और जो साकार है वो कौन है? निराकारी तेज वाला वही जीव हो गया, निराकारी स्टेज वाला माना साकार है या निराकार है? साकार वही। जब स्टेज वाला कहेंगे तो साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार ही हुआ, उसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी बच्चे देखते हो तो सुप्रीम सोल ऊपर चला गया राम वाली आत्मा। कौन कहता है सुप्रीम सोल चला गया? मुरली में तो बोला हुआ है मैं तुम बच्चों के को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, साथ खेलेंगे, साथ चलेंगे। तो चला गया कौन कहते हैं, बीके कहते हैं या पीबी के कहते हैं? बाबा 70 साल हो गया, अभी तक सोल घुस गया है। 70 साल हो गया सोल घुस गया, अभी ही तो सोल घुसने का टाइम आया है। रुद्रमाला के मणकों में जो रुद्रगण दिखाए जाते हैं वो मुख लेने की यादगार हैं। जो मुख बने होते हैं ना रुद्राक्ष में, कोई में एक मुख, वो काई की यादगार है, एक ही प्रवेश करता है, माना बाप दादा के सिवाय और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दो मुख वाले, तीन मुख वाले, चार मुख वाले, माने जितने जितने धर्मों में आत्मा कन्वर्ट हुई है उतने प्रकार की आत्माएं उसमें प्रवेश करके उतने प्रकार की बातें बोलेंगी। जिसकी यादगार दिखा दी है सन्मुख, छह मुख वाला, कोई छह मुख वाला होता है क्या? नहीं, कहते हैं ये तो दुमुहा है, कभी इधर से बात करता है कभी उधर से बात करता है, एक बात पे टिकता नहीं, तो हंसी का पात्र बन जाता है। हाँ जी, ये ज्ञान तो है, हम लोग का तो मेन उद्देश्य ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान का प्राप्त करना है मेन उद्देश्य, तो ये नहीं ना है हम लोग को, मतलब ज्ञान तो एक साधन है। हाँ जी, कौन बनाने का? बाबा मुरली भी बोलते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाने नहीं आता है, ज्ञान सुनाने नहीं आता हूँ। हाँ जी, तो ये ज्ञान तब तक लिया जाता है जब तक साकारी स्टेज में है, देखान की स्टेज में है। हाँ जी, तो ये बात है, गलत हम बता रहे, जो बातें मुरली में बोली गई हैं वो सब सही ही हैं, गलत कहाँ है? समझने और न समझने का खेल है। कोई रट्टू तोते की तरह मुरली सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और उनके गुह्यार्थ को नहीं समझते हैं। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने वैसा कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, फिर कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि बाबा उस मुरली में आपने ऐसे कहा, इस मुरली में ऐसे कहा, ये तो दो बातें हो गई। भक्ति मार्ग को हाथ से काली किया जाता है, तो ऐसे एक बात है जैसे लव दूध की बात है, उन्हीं क्या यहाँ कोई काली होता है क्या? क्यों, लव माने क्या? लव माने क्या? प्यार। और कुछ माने क्या? कुछ माने क्या? कांटा। तो मुख्य धर्म है विधर्मियों में दो,
एक लव फुल है, और एक कांटे के समान है, दुखदाई है। जैसे कृष्ण, कृष्ण कहने मात्र से ही भक्ति मार्ग वालों को सुख अनुभव होता है या दुख अनुभव होता है? सुख अनुभव होता है। राम और कृष्ण के बीच में लाफुल कौन माना जाता है और लफुल कौन माना जाता है? लाफुल है राम, जो शंकर का पात्रधारी बनता है, और लफुल है कृष्ण, और उन्हीं के बच्चों के रूप में इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। बहुत फजीलत से बातें करेंगे, बातों से कोई पहचान नहीं सकेगा कि हमारे लिए ये सुखदाई है या दुखदाई। जैसे कोई को शुगर कोटेड गोली दी जाती है, ऐसे कृष्ण का पार्ट है। तो लव अर्थात प्यार भरा, और कांटा अर्थात तक्षण दुखदाई। पहले कौन मरेंगे? लफुल पहले मरेंगे या लाफुल पहले मरेंगे? है, पहले इस्लामी मरेंगे, विधर्मियों के बीच में पहला पहला धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। और कृष्ण के फॉलोअर्स और राम के जो फॉलोअर्स हैं, उन दोनों के बीच में पहले पहले जीते जी कौन मरेंगे? है, कृष्ण के फॉलोअर्स से पहले मरते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। कृष्ण की आत्मा ज्ञानी बनती है पहले? नहीं बनती है। तो उनके फॉलोअर्स ज्ञानी कहां से बन जावेंगे? और जो खुद ही ट्रांसफर हो जाता है वो अपने फॉलोअर्स को ट्रांसफर नहीं करेगा। हिंदू धर्म जो कहा गया है वो वास्तव में हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू धर्म पड़ता है या धर्म स्थापक के नाम पर नाम पढ़ना चाहिए? तो खुद ही कन्वर्ट हो गया जो हिंदू कहते हैं। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं, हिंदुस्तान का हिंदू धर्म हो जाता है क्या? चीन में कोई चीनी धर्म होता है क्या? धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म। तो जो खुद ही कन्वर्ट हो गया वो अपने बाद वालों को कन्वर्ट नहीं करेगा। हाँ जी, यहाँ नहीं प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ जो भी हैं, बेसिक की बात छोड़ दो, एडवांस वालों की बात ले लो, जो बीज रूप आत्माएं हैं जिनमें अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है,
कोई में महीन छिलका चढ़ा हुआ है और कोई में जन्म जन्मांतर का मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। तो पुराने छिलके वाले जन्म जन्मांतर के छिलके वाले पहले पवित्र बनेंगे या जिनका पतला छिलका होता है वो पहले पवित्र बनेंगे? वो पहले पवित्र बन जाते हैं। दादा विजयवाला के हेड रानी मक्ष भी जब एडवांस संगठन में आएगी ताकि कंपनी में भर्ती करेगी और कोई संगठन में रह के सेवा करेगी क्या? ये तो भविष्य की बातें हुई, कहाँ क्या करेगी, कहाँ क्या होगा, ज्योतिषियों की बातें हैं। बाबा है वो जो लवकुश का जो माँ दिखाया गया सीता को है, लवकुश को माँ को दिखा गया सीता को। हाँ सीता, हाँ जी हाँ जी। तो दिखाया गया जो लॉक हो गया था तो फिर क्या क्या मतलब कोई मुनि ने खुद को जन्म दिया हाँ। फिर भी सीता हुआ उन्हीं पर परीक्षा हुआ बाद में। हाँ जी, ये क्या है, क्या है, क्या क्या है, ये क्या, इसका क्या नहीं हो सकता है, उनसे ना क्या चाहते हो? तो जो लॉकपुट का जो माँ सीता है हाँ, जो सीता है वो जगदम्बा है, जो जगत अम्बा है, जो सारे जगत की अम्बा है वो लव की भी माता है, तो कुश की भी माता है, इस्लामियों की भी माता है और क्रिश्चियंस की भी माता है। लेकिन उसके बाद में फिर अग्नि कौन से देना पड़ा? अरे ये तो शास्त्रों की बातें मनुष्यों ने लिखी हुई है, वो शास्त्रों में भूसा है, भूसे की एक एक बात को नहीं उठा सकते। बाप जो कुछ बताते हैं वो सत्य बताते हैं। ये थोड़ी का टाली करो, टैली करो ये नहीं बोला, कर सकते हो, माने टाइम वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ सभी देवताओं ने जाकर के शंकर जी को शरण ले लिया और सभी देवता मिलकर के एक शक्ति का आराधना किया और वो शक्ति है आपदा शक्ति महाराज का आविर्भाव हुआ और उन्होंने सभी उत्सवों का संहार कर दिया और उसको संहार होने के बाद देवताओं को राज्य मिल गया। शंकर जी के पास कह ही रहे आप किया तो बताइए कि जो किसम का बेटी के साथ होगा जगदम्बा का बेटी में जो आपने बैठा हुआ है बड़ा बड़ा चाहे बेसिक हो और चाहे एडवांस हो, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे राइटियस धर्म हो चाहे लेफ्टिस्ट धर्म हो, अच्छे बुरे सब में है या कोई में है कोई में नहीं है, सब में अच्छे भी अच्छे हैं और आज बुरे से बुरे हैं। और जगदम्बा सब की अम्बा है जो महाकाली का पार्ट बजाती है। शंकर का काम सहज हो जाता है तो निमित्त बनी हुई है, उसको प्रकृति कहा जाता है। माया बेटी कितना भी विकराल रूप धारण करे, सृष्टि बढ़ती जाएगी या कम होगी है? माया काम क्रोध लोह मोह अहंकार अगर बढ़ते जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी या कम होगी? बढ़ती जाती है। और प्रकृति क्या करती है? जब तामसी बनती है तो सब सब स्वाहा कर देती है। तुम्हारे प्रश्न का जवाब हुआ? हाँ जी है, गोत्र हाँ जी कैसे मानते हैं कौन कौन धर्म से?
जो नौ रत्न जिन्हें कहा जाता है और जिन नौ रत्नों में नौ विशेष आत्माएं प्रवेश करती हैं, उनको ऋषि कहा जाता है। उन ऋषियों के नाम पर गोत्र के नाम पड़े हैं, भरद्वाज गोत्र, पाराशर गोत्र, कश्यप गोत्र, वो पवित्र आत्माओं के आधार पर गोत्र पड़े हैं, वो है पूर्वज। हम सब उन पूर्वजों की संतान हैं। और जब शरीर से आत्मा दिखाव दिया है तो बाबा ने कहा एक सेकंड में दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाते, पांच पांच का गौतम इंद्र होता पिंड तो। लेकिन बाबा सूक्ष्म जो दोष होता जिसे कहते भूल कहते, तो जब शरीर निकाल दिया है उसके पास जब पिता जब पिंड देता है पिंडो नाम जाते हैं, तो वो जो सूक्ष्म थोड़ी वो किसका बाबा, तो बाबा ने बोला कि एक बार जब गगन प्रवेश कर जाते हैं उसका कोई बात नहीं होता, बात नहीं करता, वो थोड़ी वो उसको जब दिखा दिया है जिसका कहते घोष, तो वो किसका। जिनका सूक्ष्म शरीर होता है वो प्रवेश नहीं करते, वो भटकती रहती है आत्मा सूक्ष्म शरीर से। जिनको सूक्ष्म शरीर नहीं बनता वो तुरंत जाके जन्म लेती है, वो भक्ति मार्ग की बात है, पिंड छूटे माना पीछे न पड़े। और हम बच्चों के अंदर में राधा कृष्ण जैसी आत्मा है अब से प्रवेश करना शुरू होगा, जैसे अभी कृष्ण की आत्मा बाबा के अंदर में प्रवेश करके पूछताछ कर रहे हैं। कृष्ण के फॉलोअर्स और राधा के फॉलोअर्स, कृष्ण को कौन से वंश का कहा जाता है? सूर्यवंशी। और राधा को कौन से वंश का कहा जाता है? चंद्रवंशी। तो अंतर पड़ जाता है, वो सूर्यवंशी और वो चंद्रवंशी, उन चंद्रवंशियों को झुकना पड़े, कन्वर्ट होना पड़े स्वेच्छा से, तो वो भी सूर्यवंशी बन जाते हैं सहयोगी बनने के कारण। बाबा हमने बोला देखिए बाबा अभी कृष्ण की आत्मा बाबा के अंदर प्रवेश करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जो कृष्ण में राधा बनने वाली जो कार्यकर्ता जो बच्चा बनेंगे सत्यदेव में वो हम बच्चे के अंदर प्रवेश कब करेगा? राधा वाली आत्माएं, राधा जैसी आत्माएं वो सूर्यवंशियों में प्रवेश क्यों करेंगी? राधा राधा वाली राधा का विष्णु होगा वो चंद्रवंशी में प्रवेश करेगा, जो विष्णु का ग्रुप होगा वो सूर्यवंशी में प्रवेश करेगा, लेकिन प्रवेश कब करता है कौन सी टाइम? अभी एडवांस के ही दो ग्रुप हो गए, एक प्लानिंग पार्टी और बाद में प्रत्यक्ष होने वाली प्रैक्टिकल पार्टी। पूरी प्लानिंग जब बुद्धि में आ जाती है तो प्रैक्टिकल काम शुरू होता है, जब तक पूरा नक्शा पूरा खाका बुद्धि में नहीं खींचा है तब तक मकान का निर्माण नहीं होता है। तो प्लानिंग पार्टी का काम पहले माने कृष्ण और कृष्ण जैसी आत्माओं का प्रवेश पहले, और बाद में राधा और राधा जैसी आत्माओं का प्रवेश बाद में। लेकिन कोई आत्मा अगर प्रवेश करेगा किसी अंदर तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर में किसी जैसे आत्मा प्रवेश किया है? प्रवेश
राधा जैसी आत्माएं जब साकार में पार्टधारी थी तो कृष्ण के ग्रुप की थी या कृष्ण को सहयोग देने वाली थी, असिस्टेंसी में थी। तो ऐसे ही वो जिनमें प्रवेश करेंगे वो असिस्टेंसी वाले होंगे, सहयोगी होंगे, प्लानिंग पार्टी वाले नहीं होंगे। उनकी बुद्धि प्लानिंग नहीं करेगी, प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगी। और बाबा दामोद पे जब भगवान की प्रदर्शन करता है कुछ आधार होती तो आधार तो का कितना बड़ा उम्र होता उस वक्त प्रवेश करते हैं तो उम्र उम्र की कोई सीमा नहीं है। बुद्ध तो राइटियस है, राइटियस धर्म का है, और जो लेफ्टिस्ट धर्म के उनकी पूजा आदि नहीं दिखाई जाती है। लेफ्टिस्ट माना ही व्यभिचारी और राइटियस माना आप व्यभिचारी। हाँ कृष्ण का क्या जेल में बंद रहता है, जेल रखा था जो बंद रखता है हमेशा। क्या बात हुई ऋषि अरविंद है ना वो क्या? अरे ये तो अभी हुए हैं, अभी का बात कर रहा है। हाँ जी किसी का फसा तो हुआ था जेल का सेल के अंदर, सेल का भी बंद कर रखता है, बोलते क्यों ऐसा रखता है ये पूछ रहा है। बंद क्या क्यों रखता है, खुलता क्यों नहीं, वो दरवाजा नहीं खुलता है वो सेल का। और दरवाजा खुल जाएगा जब तुम्हारा दरवाजा खुल जाएगा तो उनका भी खुल जाएगा। तुम्हारा अभी बंद है ना। हाँ और आपका अंदर में जैसे राम वाले आत्मा का अंदर में सदा सदस्य रहते हैं, बच्चे के सुख में रहते हैं, सुख में रहते हैं, सुख में रहते हैं कि सुख में रहते हैं, बच्चों के सुख में रहते हैं कि मतलब आपके आत्मा का अंदर में मतलब सुख रहते हैं तो सदस्य में रहते हैं तो हाँ तो उसमें जाने के बाद में अभी बच्चा तो व्यक्त करता है ना बाप को जो असली याद में होंगे वो सुख में ही रहेंगे। अभी मुरली शुरू ही हुई तो उसकी शुरुआत ही कैसे हुई, सुख मने बाप को याद करो तो मन में सुख रहे। अगर बाप का सही परिचय मिला है और उस बाप को याद करेंगे तो मन में सुख आएगा या नहीं आएगा, याद करने मात्र से ही सुख आवेगा। आपने तो कहा ना योगी योगी जो होगा वो अच्छा अच्छा रहेंगे, आज जो भोगी वो तो जाएगा। जहाँ बाप होगा वहाँ भोग होगा, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ भोगी होगा वहाँ तो पाप होगा। तो दुखी होगा या सुखी होगा। हाँ जी होगा वो तो पाँच सात ट्रेन में नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? चौरासी विजय माला वाले 84 जन में नहीं लेंगे।
फिर कौन लेंगे? क्यों? जो प्रैक्टिकल करे उसका जन्म कम हो जाए, और जो सिर्फ प्लानिंग ही करता रहे, प्रैक्टिकल कुछ भी ना करे, उसके जन्म ज्यादा हो जाए। 16,000 का जो होगा तक लास्ट में आएगा। हाँ, आने से क्या होता है, कोई लास्ट में आता है और फास्ट चला जाता है प्योरिटी की पावर से। क्यों जन्म गई? ये तो आपने अनुमान लगा लिया, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। जब बाबा ने कह दिया लास्ट में आने वाला भी फास्ट जा सकता है पवित्रता के बल पर, जन्म जन्मांतर की जो उनकी प्योरिटी है, अभिविचारीपने के संस्कार हैं, वो उनकी बुद्धि को, पुरुषार्थ को आगे बढ़ा देते हैं, तो जन्म कम क्यों हो जाएंगे? अरे ये क्या बात, जो स्वर्णिम संगम युग में आएगा वो सत्ययुग में नहीं आएगा? ये कहां से पॉइंट उठा लिया? और जो तीसरा जन्म का जो पाप हम लोग करते हैं, ज्ञान माने तो बाद ही पाप करता है, ब्राह्मण परिवार के जो बाहर के लौकिक दुनिया में वो भी तो बाप के बच्चे होगा। बाहर की दुनिया के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल में बाप के बच्चे हैं या सिर्फ हवा में हैं? हवा में हैं, बच्चे नहीं हैं। और यहाँ ज्ञान में जो प्रैक्टिकल चलते हैं, बाप को प्रैक्टिकल पहचानते हैं, बाप के साथ साथ पार्ट बनाते हैं। कैसे बात है, अपना पाप कट रहा है, क्या निशानी? खुशी होगी, और जिनके पाप बढ़ रहे हैं उनको दुख होगा, वजन चढ़ता जाएगा, याद नहीं लगेगी, मुझते चले जावेंगे। 63 जन्मों में जो पाप किए हैं उसका एक गुना पाप चढ़ता है, और ज्ञान में आने के बाद जब कोई पाप करता है जानबूझ करके तो वो भगवान से भी नहीं डरता, उसको 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो ज्यादा पतित आत्मा शूटिंग पीरियड में बनती है या 63 जन्म में बनती है? इसलिए शूटिंग पीरियड में तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए। और सर आपका अपना ही शूटिंग तो खराब कर दिया। तो कौन कहता है खराब करो? किसी ने कहा है कि खराब करो? सर क्यों खुजला रहे? हाँ, अपना ही पोस्ता, अपने ही मेरे पोस्ता ना पड़ेगा। आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र स्वयं ही है। भगवान किसी का मित्र भी नहीं, किसी का शत्रु भी नहीं। कोई आत्मा किसी का मित्र शत्रु नहीं है। हर आत्मा अपने लिए अपना मित्र है और अपने लिए अपना शत्रु है। कोई दूसरे को मित्र और शत्रु समझते हैं, ये अज्ञानता की बात है। बंगला बोलने सकेंगे? बंगला बोलिए, हिंदी जानने वाले बहुत है, अनुवाद कर देंगे। জল আছে সেখানে জলের মধ্যে কি ভালো হচ্ছে? ऑटोमेटिक थोड़ा ही जन्म लेते हैं। जो मछलियाँ जन्म देती हैं वो मछलियों के संयोग से ही जन्म होता है। कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी संयोग से जन्म होता है। देखते हुआ जाना। अच्छा, हो चाहे घर जाऊँ, आवाज
গরু বা ঠাকুর বা অন্যান্য এইরকম এই গায়ে পোকা হচ্ছে ঘাস, পোকা থেকে দেখা যাচ্ছে মাটি বসছে, মাটি থেকে দুদিন পরে দেখা যাচ্ছে পোকা কিনছে, অন্য পোকা খেয়ে মাটি আসছে। হ্যাঁ আপস মে নেই ওসে বোলনে দো ক্যা ক্যা কে রে জেসে আপকো আমারা ঘাও হো গিয়া। হ্যাঁ জি, ঘাও কো অন্দর জো কীড়া, ও কীড়া কেসে পয়দা হো গিয়া? কীড়া পয়দা নেই হোতা, কোই না কোই উসমে বীজ পড়তা হ্যায় বাহার সে, তো কীটাণু পয়দা হোতা হ্যায়। ऐसे अपने आप नहीं होता है। बाबा मुझे बोलते हैं बाप दादा चाहे तो क्या होता है? बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए रुका हुआ है ऐसे तो बाबा वापस जा सकते हैं? कहाँ वापस जा सकते हैं? वापस जा सकते हैं का मतलब सदा काल के लिए बीज रूपी स्टेज में जा सकते हैं। तो बाबा अगर उसी तो बच्चे रह जाएंगे, फिर आने का फायदा क्या हुआ, इसलिए रुके हुए। तो बाबा अभी जब तक वो साकार में मतलब वो निराकारी स्टेज को काम को छुपे हैं, हाँ मतलब বাবা যে রাম বালিয়া প্রাপ্ত হয়ে যাবে তো ছোট সকা হ্যাঁ, বচ্চো কে রুকা হুয়া হ্যাঁ, বচ্চে কি পৌঁছ যায়, হ্যাঁ জি, আর পৌঁছ যায় তো সাথ সাথ হম লোক শরীর কো ছোড়েঙ্গে, মতলব ক্যা হ্যায় উস বীজ রূপ স্থিতি মে টিক জায়েঙ্গে হ্যাঁ। তো আর ইয়ে ইয়ে বাত তো পুরি করো, কেনা কে চাহতে সাড়ে চার লাখ নম্বর বার স্টেজ কো প্রাপ্ত হোগে, হো সকতা হ্যাঁ জব চতুর্থ বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হো যায় তব স্টেজ কো প্রাপ্ত করে। বাপ দাদা जो भी मनुष्य सृष्टि है और मनुष्य सृष्टि के जो भी मुख्य धर्म है, उन मुख्य धर्मों के मुखिया कितने हैं? कितने हैं? आठ। नौवां तो सिर्फ गिनती में आता है, तो जो आठ मुखिया हैं वो जब निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को पा लेंगे तो विनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं कि साढ़े चार लाख के लिए रुके रहेंगे। हाँ बाबा, हाँ जी, तो मुख्य जैसे कहते हैं कि चार धर्म, चार धर्म देवता नाम गुरु किसी और आगे सबका उतार हुआ है, तो वही चार दुनी आठ अष्ट देव कहलाते हैं ना, मतलब उसमें श्रेष्ठ सामग्री थी हर धर्म की। बोलो। तो बाबा बाबा कहते हैं जब हो जाएगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी जब कहते हैं तो किनसे बात करते हैं? बाबा तो जानते हैं सारी सृष्टि के पूर्वज तो यही है, जो पूर्व में जन्म लेने वाले बीज हैं वो अगर सुधर जाएंगे तो सारी सृष्टि नंबर बार स्वतः ही सुधरती रहेगी। तो बाबा अष्टदेव जब तैयार हो जाएंगे तो वो क्या है, सारे एक्सपर्ट आत्माओं को पूरे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे? तो सारे विश्व को कंट्रोल करेंगे। हाँ तो आज आप समय बन लो तो एक जोड़ी तो हो गया है, एक जोड़ी हो गया ना सूर्य को है, तो फिर क्या बहुत ना ये सब तैयार होगा क्या? तो एक भी तैयार हो गया, चार धर्म का मतलब जब भी तैयार नहीं हो गए, डिक्लेयर हो गए, तो धीरे धीरे दो हो गया तो आते बाकी है। डिक्लेयर होने के बाद भी उनको परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़े तब दुनिया मानेगी, ऐसे नहीं मान लेगी। सूर्य वंश का मां बाप लेकर के दो हो गया,
हाँ जी इस्लाम मंदिर में माँ बाप लेके दो ऐसे करके आठ होगा, हमें चार जोड़ी होगा टोटल आठ होंगे। अरे सूर्यवंशी एक होगा कि दो होंगे, और चंद्रवंश का जो होगा वो एक होगा या दो होंगे? एक ही होगा। जैसे सूर्यवंश का सहयोगी धर्म चंद्रवंश है, वैसे ही इस्लाम धर्म का सहयोगी धर्म मुस्लिम धर्म है, ऐसे ही बौद्ध धर्म का सहयोगी धर्म संन्यास है। तो जो सहयोगी हैं उनको ही असिस्टेंसी में रखा जाता है। जैसे पत्नी पति की सहयोगी है, मुखिया नहीं है, हाँ सहयोगी को महत्व देना चाहिए। तो जोड़ी जागर के सज्जू में ये काले पुरुष बन जाएगा। ये जोड़ी नहीं है रुद्रमाला में, भाई बहन भी नहीं है, ये आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज है। हम लोग सज्जू में माई बाप बोलते हैं। माई बाप बोलते हैं वो शरीर के आधार पर बोलते हैं, पार्ट बजाने के आधार पर। बाकी जो 63 जन्म पार्ट बजाएंगे वो पति पत्नी के रूप में पार्ट नहीं बजाएंगे, ये अपनी अपनी मनसा के ऊपर है। जैसे संकल्प चलावेंगे दोनों हाथों से ताली बजती है, दोनों तरफ से एक जैसे संकल्प होंगे वैसी शूटिंग होगी। हाँ समझाया किसको जाता है? जो समझ सकता है उसको समझाया जा सकता है, या बेसमझ बच्चे को समझाया जा सकता है? मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। तो साबित हो गया न राधा की आत्मा को सुनाते हैं न कृष्ण की आत्मा को सुनाते हैं, तुम बच्चों को सुनाते हैं कि मतलब रुद्रमाला के मणके हैं, शिव के बच्चे हैं, आत्मिक स्टेज को पकड़ने वाले हैं। और अच्छा बाबा टैंक को मिलते वो तो लिमिटेड टाइम है, 100 साल से ज्यादा उम्र होगी क्या? नहीं बाबा मतलब 2-3 जन्म हो जाता है। 100 वर्ष में ही कोई कोई के 2-3 जन्म हो जाते हैं, तो लिमिटेड क्यों है? जानने का मतलब जो भारत का टाइम बच्चे लोग को दिया गया है वो लिमिटेड टाइम दिया गया। लिमिटेड काय के लिए, बहुत लंबा टाइम दे दिया। सिर्फ निश्चय बुद्धि होने की बात है, पक्का निश्चय बुद्धि अटूट निश्चय बुद्धि हो जाए तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन सकता है। बाबा जैसे बोलते हैं 30-30 साल तीनों के टाइम चलते हैं, 30 साल ब्रह्मा के, 30 साल विष्णु के और 30 साल उसमें भी कम जाति हो सकता है। कम जाति जोड़ने पर करता है कि दो व्यक्त का पाठ हो जाता है, जैसे 40-45 से ब्रह्मा की तरह 40-47 में 40-45 से ब्रह्मा बाबा के संघ के द्वारा का पाठ चला 30 साल। उसके बाद जब खत्म हुआ शंकर का पाठ शुरू हो गया 37 साल के बाद। सन 36 से लेकर सन 68 तक कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के तन में पाठ चला,
सब ब्रह्मा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय संसार में प्रत्यक्ष हुआ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मानना पड़े तो 33 साल लग गए, 36 से लेकर 68 तक कितने साल हुए? 33 वर्ष जो हैं, उसमें ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने के लिए कितना टाइम लगा? 36 में तो ब्रह्मा नहीं था, किसी ने ब्रह्मा को नहीं पहचाना। पहली बार कब पहचाना? जब मुरली चलाते हैं तो पता चलता है कि जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो 47 से मुरली चलना शुरू हुई, 47 से 57, 57 से 67 और एक साल 68, 21 साल नुदे हुए हैं। और उसमें भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रैक्टिकल में बोर्ड में आने में कितना टाइम लगा? एक है बात बुद्धि में रहे, दुनिया के सामने नहीं आई। और बोर्ड में कब से लगाना शुरू हुआ? 51. सेवा कहां से शुरू हुई? दिल्ली से सेवा शुरू हुई। तो दिल्ली में पहला सेवा केंद्र कब खुला? जब सेवा केंद्र खुला होगा तो बोर्ड पर नाम भी लिखा गया होगा, है 52, 53। तो 37 से लेकर के 52 तक ये प्रत्यक्षता होती रही। कितने साल हुए? 47 से कोई की बुद्धि में आया जब शिव बाप ने प्रवेश किया ब्रह्मा में कि ये ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा का पार्ट है, तब से फैसला किया कि कराची से बदल कर कहां पहुंचना चाहिए, कहां से प्रत्यक्षता होगी? भारतवर्ष से प्रत्यक्षता होगी। तो वहां से उठ करके कराची से बंबई में आए और बंबई से आदेश दिया गया कोई स्थान चुना जाए। तो माउंट आबू में स्थान लिया गया। और सेवा की शुरुआत दिल्ली से हुई। दिल्ली सेवा का बीज स्थान है, बेसिक नॉलेज की सेवा की शुरुआत हुई। तो कितने साल लगे? 16 साल लग गए। ऐसे ही दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? 76
76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, माँ का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं, प्रजापिता का प्रत्यक्षता वर्ष। मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है? जिसके तन में मुकर्रर रूप से बाप प्रत्यक्ष होते हैं संसार में। तो 76 से लेकर के 83 में 13 होना चाहिए, नहीं तो बाप कैसे बनेगा? अम्मा होगी तभी तो बाप बनेगा, पहले कैसे बन जाएगा? तो कितने साल लग गए? अरे 16 वहां तो यहां 8 साल। ऐसे ही चारों युगों की शूटिंग एडवांस के हिसाब से कब पूरी होती है? ...2004 में रुंग वर्ष सहित। तो तीसरी मूर्ति आनी चाहिए, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। वहां 16 साल, यहां 8 साल और वहां 4 साल लगना चाहिए। तो 2004 के बाद 4 साल और ऐड कर दो, 2008 आता है। और मूर्ति जो भी प्रत्यक्ष होती है, चाहे ब्रह्मा की हो, चाहे शंकर की मूर्ति हो, चाहे वैष्णवी मूर्ति हो, वो सबके सामने एक साथ प्रत्यक्ष हो जाती है या नजदीक वालों के साथ पहले प्रत्यक्ष होगी? सन 47 से ब्रह्मा का पाठ शुरू हुआ, शिवबाप ने प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कोई तो होंगे नजदीकी जिन्होंने पहले पहचाना होगा। ऐसे ही सन 76 में कोई तो नजदीकी होंगे जिन्होंने बाप को पहले पहचान। ये बात दूसरी है, कितना परसेंटेज में पहचाना। कोई की पहचान कम परसेंटेज में, कोई की पहचान ज्यादा परसेंटेज में। जितना जितना जास्ती परसेंटेज वाला होगा, उतना जास्ती टिकने वाला भी होगा। तो यहां भी ऐसे ही होगा। तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्षता काल में सब एक साथ पहचानेंगे या नंबरवार पहचानेंगे? तीसरी मूर्ति के जो जास्ती नजदीक होंगे वो पहले पहचानेंगे। उन पहचानने वालों में भी परसेंटेज होगी, कोई 100% पहचानने वाले भी होंगे जो आदि से अंत तक रह सकते हैं। कोई कम पहचानने वाले होंगे, आदि में पहचानेंगे, फिर जैसे मुर्गा बांग लगा के सो जाता है ऐसे नींद में खुद सो जाएंगे और दूसरों को जगा देंगे।